अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवीद अकेडमी में आपको खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हूँ, और आज हमारा जो टॉपिक है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें जी। तो मैं यहाँ पे आपको एक डेमो प्रेजेंटेशन दूंगा एक प्रोजेक्ट के ऊपर। लेट्स फॉर प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, सबसे पहले वो हम लिखेंगे जी कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन है ऑन स्पोर्ट्स गैलरी। तो स्पोर्ट्स गैलरी का एक टाइटल है, तो नीचे जो एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी का नेम आप मेंशन करेंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, और जैसे ये नवीद अकेडमी का लोगो लगा है, यहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो लगा सकते हैं। तो उसके बाद सेकंड जो पेज होगा उसमें आप प्रेजेंटेड बाय बताएंगे अपने मेंबर्स का नेम, उसके साथ उनके रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर प्रोजेक्ट सुपरवाइजर कौन है, उसके अलावा आप प्रोजेक्ट जो है वो किसको प्रेजेंटेशन किसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कमेटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, लेट्स फॉर एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो आप वो उसकी यूनिवर्सिटी को मेंशन कर दें। फिर प्रेजेंटेशन फ्लो है आपका, प्रेजेंटेशन फ्लो में हमने ये बताया हुआ कि हमारी कौन कौन से जो मेन पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, पर्पस एंड स्कोप है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंट्रोडक्शन है, सिस्टम आर्किटेक्चर है, और कंक्लूजन्स हैं। ये मेन पॉइंट्स मैंने लिए हैं, अगर आप इनको अपने पीपीटी में राइट करेंगे तो आप आराम से अपना जो प्रोजेक्ट है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने ये बताना है कि जो प्रॉब्लम्स हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में, जो प्रॉब्लम्स हैं, और उनको आप जिन जो नया आप खुद से जो प्रपोज सिस्टम आपने दिया है उससे आप जो रिप्लेस कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपने सारा कुछ लिख देना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। और पर्पस एंड स्कोप में आपने फिर वही जो कि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे हम स्पोर्ट्स गैलरी है तो हम वहाँ पे स्पोर्ट प्रोवाइडिंग, न्यूज़, ई कॉमर्स स्टोर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका स्कोप क्या होगा, स्कोप बता दें आपके वर्ल्ड वाइड एक्सेस है। और उसके अलावा जो भी अगर आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ये एक्चुअली एक वेबसाइट से रिलेटेड प्रोजेक्ट की एक पीपीटी है, तो अगर आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है तो आप सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन आराम से कर सकते हैं इसके अंदर। और ऑब्जेक्टिव्स आप अपने बता दें, आपके प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसको डिटेल से आप बता दें। ज़्यादा डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़े से पिन पॉइंट ऐसे लिखें जिनसे जो एग्जामिनर है या जो हमारा कंडक्ट कर रहे हैं FIP, वो आराम से हमारा समझ जाएं कि हमारा प्रोजेक्ट के अंदर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसके साथ ही इंट्रोडक्शन देना है आपने, बस इंट्रोडक्शन में वही आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंट्रोडक्शन होगा। और साथ एक नीचे सिस्टम आर्किटेक्चर है, सिस्टम आर्किटेक्चर में आपने सिस्टम जो आपका अगर प्रोजेक्ट साइट है या आपका कोई स्टोर है, और उसके अलावा कोई आपका सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो आपने उसके कुछ जो पेजेस हैं उनके पिक्चर वगैरह, या आपने वो उनके जो स्नैपशॉट्स हैं वो लेनी है, और उसको आपने बताना है। जैसे ये अगर एक स्पोर्ट्स गैलरी की एक वेबसाइट है, वहाँ से हमने ये इसका इंडेक्स पेज को शो करवाया हुआ है, उसका एक दूसरा जो फीचर था वो स्टोर था, स्टोर का एक पेज को हमने शो करवा दिया। तो इसी तरह अगर डेटाबेस या कोई और चीज़ से रिलेटेड, यानी कि आपका प्रोजेक्ट की नोयत को देखा जाएगा ना, उसके से उसी तरह आपने एक्सप्लेन करा। और इस पे एंड पे आपने कंक्लूजन बता देना है कि आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स हैं और आप क्या भी पेश कर रहे हैं, और कंक्लूजन के तौर पर फिर आपने बताना है कि आप क्या चीज़ों को आप सेटल करने जा रहे हैं, तो ये आपने क्या चीज़ें सेट कर दी हैं। आई थिंक क्योंकि प्रोजेक्ट तो बन चुका होता है, तो इसमें आपने बता देना है कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें सेट कर दी हैं और आपने क्या यूनिक चीज़ें पेश की हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप इन चीज़ों को मेंशन करेंगे और इनको कंट्रीब्यूट से करेंगे, तो आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक अच्छी PPT आपकी तैयार हो सकती है, और होपफुली आपको ये क्विक व्यू पसंद आया होगा, और इन्हीं को फॉलो करें और इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, टाइप करें।